गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास फोर्थ हमारा जो चैप्टर नंबर 12 है इसकी एक्सरसाइज सी करेंगे। और चैप्टर नेम्स क्या है? डेसिमल। डेसिमल का मतलब क्या होता है? दशमलव। पिछले वाले वीडियोस में मैंने आपको ये डेसिमल के बारे में बताया था। तो हमारा आज जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एड द फॉलोइंग। आज हम क्या करेंगे, पॉइंट वाली जो संख्या रहती है उनको प्लस करेंगे। सिंपल रूप से प्लस करना तो आपको सामान्य रूप से प्लस करना तो आता है। आज अपन क्या करेंगे, पॉइंट वाली संख्याओं को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब बेटा पॉइंट वाली संख्याओं को प्लस करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या रहता है, हम पॉइंट से पॉइंट मिलाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट मिलाएंगे। वंस टेंस हंड्रेड, उस संख्या के नीचे वंस टेंस, टेंस के नीचे टेंस वाली संख्या लिखेंगे, वंस के नीचे वंस संख्या लिखेंगे, हंड्रेड के नीचे हंड्रेड वाली संख्या लिखेंगे। फिर पॉइंट के बाद अपन टेंथ वाली संख्या के नीचे टेंथ वाली लिखेंगे, हंड्रेड के स्थान पर हंड्रेड वाली लिखेंगे और थाउजेंड के स्थान पर थाउजेंड वाली लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है 417.31। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 417.31 यहाँ तक आपको बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर है 218.33, तो सबसे पहले अपन 218 लिख लेंगे और पॉइंट के बाद क्या रखा है, 33। बस जो हमारा आंसर आएगा बेटा वो भी क्या करेंगे, पॉइंट में। सबसे पहले बेटा हमको पॉइंट से पॉइंट मिलाना है। यदि आपने पॉइंट से पॉइंट नहीं मिलाया तो बेटा आपका आंसर जो है वो सही नहीं आएगा, करेक्ट आंसर नहीं आएगा। 1 + 3 कितने होते बेटा, 4। 3 में 3 प्लस करेंगे, आंसर क्या आएगा मेरा, 6। इसी प्रकार 7 में 8 प्लस करेंगे तो कितने होंगे, 7 + 8 = 15। कैरी कितने आ जाएंगे, 1 1 और 1 2। 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3। 4 + 2 कितने हो जाएंगे, 6। पॉइंट ही मिला वही है बेटा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 635.64। बड़ा सिंपल रूप से जैसे प्लस करते हैं वैसे ही करना है। बस ये अपने को ध्यान रखना है कि हमारा पॉइंट से पॉइंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में है 6.125 + 217.5। तो सबसे पहले बेटा 6.125 और इधर दे रखा है बेटा 217.5। तो सबसे पहले 217 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर दे रखा है, इसके बाद दे रखा है 5। बाकी संख्या को हम क्या करेंगे, वैसे की वैसी ही लिख देंगे, मतलब बाकी जो बची संख्या है यहाँ पर हम 0 भी लगा सकते हैं, तब भी हमारा आंसर बेटा वैसा का वैसा ही आएगा। प्लस का चिन्ह है इसलिए प्लस करेंगे, 5 में 0 प्लस करेंगे, 5। 2 में 0 प्लस करेंगे, 2। 1 + 5 कितने होते हैं बेटा, 6। पॉइंट लगाएंगे, 6 + 7 कितने होते हैं, 1 3 13। कैरी 1। 1 और 1 कितने होते हैं बेटा, 2। और यहाँ पर आ जाएंगे बेटा 2। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 223.625। बेटा ये जब तक हमने 0 इसके लिए लगा दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये टेंथ है, ये हंड्रेड्थ है और ये थाउजेंड्थ है, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 417.82 + 217.5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 417.82, फिर यहाँ पर रखा है 217, ये पॉइंट भी लाएंगे, 217 ये ऐसे कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5 और बाकी संख्या नहीं है इसलिए हम चाहे तो यहाँ पर 0 भी लगा सकते हैं। इसे 0 नहीं लगाते हैं, आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए अपन ने क्या करा है, 0 लगा के क्या करा है, वहाँ पर इधर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स थे और यहाँ पर भी अपने क्या करा है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स लगा दिए हैं। अब 2 में 0 प्लस करेंगे तो 2। 8 + 5 कितने होंगे, 1 3 13। कैरी कितने हो जाएंगे, 1। 7 और 7 कितने होते हैं बेटा, 1 4 14। 14 में 1 प्लस और यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 14 में 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, 15। 50 के हम कितने लिखेंगे, 5। कैरी कितने हो जाएंगे, 1। 1 और 1 2। 2 में 1 प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा हमारा, 3। 4 + 2 = 6। मेरा आंसर क्या होगा, 635.32।
आ रहा है बेटा समझ में? बिल्कुल सिंपल तरीका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखेंगे बेटा अपन, थ्री हंड्रेड फिफ्टी सिक्स पॉइंट सेवन फाइव। नीचे कितना तक है? 217.18 प्लस करेंगे 8 + 5 कितने होते हैं बेटा? 13। यहाँ पर लिखेंगे 1 में 7 प्लस करेंगे 8 में 1 प्लस करेंगे 9, यहाँ पॉइंट लगाएंगे। 6 + 7 कितने होते हैं? 13 के कितने लिखेंगे बेटा हम? 3। कैरी कितने हो जाएंगे बेटा? 1 + 5 कितने होते हैं? 6। 6 में 1 प्लस करेंगे 7। 3 + 2 कितने होते हैं बेटा? 5। आंसर मेरा क्या आएगा? 573.93। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 21.7 लिखेंगे। फिर बेटा यहाँ पर अपन देखेंगे केवल संख्या हमारी कितनी है? ओनली 5। पॉइंट आगे भी नहीं लगा है, पीछे भी नहीं लगा है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे? लेफ्ट साइड में लिखेंगे। फिर नेक्स्ट रखा है और यहाँ पर अपन चाहे तो 0 लगा सकते हैं और 3.1 प्लस करेंगे। 7 में 1 प्लस करेंगे 8, 1 + 5 6, 6 में 3 प्लस करेंगे 9 और इधर लिखेंगे बेटा हम कितने लिखेंगे? 2 ऐसे के ऐसे ही पॉइंट लगाएंगे। आंसर क्या आएगा मेरा? 29.8। समझ में आ रहा है बेटा? पॉइंट से पॉइंट जब तक आप नहीं मिलाएंगे तब तक हमारा आंसर जो है वो करेक्ट नहीं आएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13.44, 13.43, 34.34। बेटा आपको यहाँ पर दिख रहा है मैंने पॉइंट से पॉइंट मिला है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि जब तक आप बेटा पॉइंट से पॉइंट नहीं मिलाएंगे हमारा करेक्ट आंसर नहीं आएगा। भले आपने प्लस करने का प्रयास किया हो, प्लस तो करेंगे पर हमारा आंसर जो है करेक्ट नहीं आएगा। 4 में 4 + 3 कितने होते हैं? 7। 7 में 4 प्लस करेंगे तो 1 = 11। कैरी कितने हो जाएंगे बेटा? 1। 1 में 4 प्लस करेंगे 5। 5 में 7 प्लस करेंगे 12। 12 में 3 प्लस करेंगे 15। 15 के हम कितने लिखेंगे? 5 और कैरी कितने हो जाएंगे बेटा? 1। 1 में 3 प्लस करेंगे 4। 4 में 3 प्लस करेंगे 7। 7 में 4 प्लस करेंगे 11। कैरी 1। 1 और 1 2। 2 में 1 प्लस करेंगे 3। 3 में 3 प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा मेरा? 6। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 61.51 ये हमारा आंसर है। बड़ा इसी प्रकार अपन थोड़े से क्वेश्चन और अपन देखते हैं। याद रखा है 147.21, 312.5, तो 312.5। फिर इसके बाद रखा है 10.001, तो अपन क्या करेंगे बेटा यहाँ पर भी एक जीरो लगा लेंगे, एक जीरो यहाँ भी लगा सकते हैं, एक जीरो यहाँ भी लगा सकते हैं। जीरो इसके लिए लगा रहे हैं, जीरो लगाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन सिर्फ आपको समझ में आ जाए कि संख्या के नीचे संख्या होती है। तो यहाँ पर आएगा बेटा 1, यहाँ पर भी 1, 2 + 5 कितने होंगे बेटा? 7, पॉइंट लगाएंगे। 7 + 2 कितने होंगे बेटा? 9, 4 में 1 प्लस करेंगे 5, 5 में 1 प्लस करेंगे 6 और 1 + 3 = 4। मेरा आंसर क्या आएगा? 469.711। मैंने इसके पहले भी आपको कह रहा था बेटा जो पाई में मतलब डेसिमल पार्ट के बाद जो संख्या रहती है, मतलब डेसिमल जो मतलब दशमलव के बाद की जो संख्या रहती है उसको एक साथ ना बोलते हैं अपन, क्या करते हैं इसको वन वन डिजिट में बोलते हैं। 218.3, 719.5,
प्लस 3.12, तो 3 के नीचे 3.12। अब अगर जीरो लगाए हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे बेटा 2, क्योंकि ऊपर कोई संख्या नहीं है। 3 प्लस 5 8, 8 में 1 प्लस करेंगे 9, फिर अपन देखें 8 प्लस 9 कितने होते हैं 1 7 17, 17 में 3 प्लस करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा 2 0 20, 20 के अपन कितने लिखेंगे 2, कैरी कितना जाएंगे 20 कितने लिखेंगे 0, कैरी कितने आएंगे 2, 2 में 1 प्लस करेंगे 3, 3 में 1 प्लस करेंगे 4, 2 प्लस 7 9, मेरा आंसर क्या आएगा 940.92। इसी प्रकार नेक्स्ट है 629.47, फिर हमने रखा है 831.7, 12.51, ये 12.51 प्लस करेंगे 7 प्लस 1 कितने होते हैं बेटा 8, 4 प्लस 7 कितने होते हैं 11, 11 5 प्लस करेंगे 1 6 16, कैरी कितने आएंगे 1, 1 में 9 प्लस करेंगे 10, 10 में 1 प्लस करेंगे 11, 11 में 2 प्लस करेंगे तो 1 3 13, कैरी 1, 1 प्लस 2 कितने होते हैं 3, 3 में 3 प्लस करेंगे 6, 6 में 1 प्लस करेंगे 7, 6 प्लस 8 कितने होते हैं बेटा 1 4 14, मेरा आंसर क्या जाएगा 1473.68। इसी प्रकार नेक्स्ट है 126.45 प्लस 18.37 प्लस करेंगे 5 प्लस 7 12, कैरी हो जाएंगे 1, 1 में 4 प्लस करेंगे 5, 5 में 3 प्लस करेंगे तो 8, 6 प्लस 8 14, कैरी कितने आएंगे 1, 1 में 2 प्लस करेंगे 3, 3 में 1 प्लस करेंगे 4 और यहां पर आएंगे 1, आंसर क्या हो जाएगा बेटा मेरा 144.82। इसी प्रकार नेक्स्ट है बेटा 149.93 प्लस 21.3, तो 21.3 लिखेंगे, फिर 8.45 बेटा, सारी संख्या मैंने पॉइंट से पॉइंट, जब तक आप पॉइंट से पॉइंट नहीं मिलाएंगे हमारा आंसर जो है वो नहीं आएगा। 5 प्लस 3 8, 9 में 3 प्लस करेंगे 12, 12 में 4 प्लस करेंगे 16, के कितने हो जाएंगे 6, कैरी कितने होंगे बेटा 1, 1 में 9 प्लस करेंगे 10, 10 में 1 प्लस करेंगे 11, 11 में 8 प्लस करेंगे तो 1 9 19, कैरी 1, 1 प्लस 4 कितने होंगे 5, 5 में 2 प्लस करेंगे तो 7 और इधर हो जाएंगे 1, आंसर क्या होगा मेरा 179.68। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 681.25 प्लस, यहाँ पर कितना रखा है 300, पॉइंट है या नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, पॉइंट कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम चाहे तो 0 0 भी लगा सकते हैं, और लास्ट में रखा है 6.1, तो 6.1 लिखेंगे, प्लस करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे 5, 2 में 1 प्लस करेंगे 3, 1 प्लस 6 कितने होते हैं 7, यहाँ पर आ जाएंगे बेटा 8, और 6 प्लस 3 कितने होते हैं 9, तो हमारा आंसर क्या होएगा 987.35। तो बेटा हमारा क्वेश्चन था एट द फॉलोइंग, आपको क्या होता है कि सिंपल रूप से प्लस करना तो आते हैं, लेकिन अपन को करना था डेसिमल वाले पॉइंट, मतलब दशमलव वाले प्लस करना थे, जो कि मैंने आपको बता दिया, शायद आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे।